एक्सेल पे बनाई है जिसमें मैंने 3D फॉरेस्ट बनाया है। 3D फॉरेस्ट बनाया है विद फोम और प्लास्टिक मटेरियल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स से। ये वुडन स्टिक्स सारा वेस्ट मटेरियल यूज है इसमें। ये वाली एक ब्रोकन कप का मॉडल है, जो टूटा हुआ कप था उसको मैंने जोड़ के फिर इसमें थोड़े पेडल्स लगाए, यानी ये बनाया खाने काबा का मॉडल एक बनाया एज ए डिपिक्शन के वेस्ट मटेरियल्स हमेशा वेस्ट नहीं होते हैं कि हम इनको अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जो है ये फेदर पे बनाई है, रियल फेदर पे पेंटिंग बनाई है। ये मैं जा रही थी कहीं पे तो मैंने ये सड़क से उठाई थी एंड आई टर्न इट इनटू समथिंग ब्यूटीफुल वन। लाइक वेस्ट मटेरियल को मैंने किसी ब्यूटीफुल चीज़ में प्रेडिक्ट किया कि हम कैसे इसको बना सकते हैं वेस्ट को अच्छे चीज़ में। ये वाली जो पेंटिंग है ये नॉर्मल कैनवास पेंटिंग है जिस पर मैंने बनाई है कश्मीरी वुमेन, जिसका पेंटिंग का नाम ही कशिर कोड है, जिसमें मैंने शो किया है कश्मीरी कल्चर इन डिफरेंट वे, लाइक कश्मीरी शॉल, कश्मीरी सिल्वर ऑर्नामेंट्स, कश्मीरी ब्यूटी विद होल्डिंग कश्मीरी फेरन एंड कश्मीरी कांगरी और तिल्ला वर्क। इसमें थोड़ा बहुत कश्मीर की वुमेन ट्रेडिशनल का मैंने दिखाया है इस वाली पेंटिंग में। ये कैनवास पेंटिंग है, इस पर लगभग मुझे 7 दिन लगे बनाने में। तापसी जस खान है, मैं अनंतनाग साउथ डिस्ट्रिक्ट की हूँ। मैं बचपन से ये करती आई हूँ, बट फ्रॉम 2016 मैंने ज़्यादातर इसमें किया है। मुझे ये लगभग बचपन से ये शौक था, मुझे आदत थी कि मैं कार्टून्स बनाती थी या जो बुक्स पे कभी कभार पिक्चर्स होती थी वो बनाती थी, तो शौक मुझे बचपन से ही था, बट इट वॉज़ मोर ऑफ एन एज अ हॉबी फॉर मी दैट टाइम। बट विद टाइम 2016 से जब मैंने ज़्यादा पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट की या सोशल मीडिया पर अपलोड करना स्टार्ट की, आफ्टर दैट इट बिकेम एज अ पैशन फॉर मी। आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय माई प्री स्कूल टीचर इन माई प्राइमरी स्कूल। MBBS के टाइम तो उतना ज़्यादा टाइम हमें मिलता ही नहीं है पेंटिंग्स करने के लिए, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा होती है, पढ़ना ज़्यादा होता है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है स्टडीज़ की वजह से, लाइफ की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ फ्री टाइम में पेंटिंग्स ही करना, ताकि इट एक्ट एज ए हीलिंग पावर फॉर मी। तो मैं इस वजह से बहुत पीस मिलता है मुझे, और उतना टाइम अभी मिलता नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग दिस कोविड लॉकडाउन तो उस टाइम में मुझे टाइम मिला बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाने को। मैंने अप्रॉक्स 150 पेंटिंग्स बनाई लॉकडाउन में, बट हाँ आई मैनेज बोथ माई स्टडीज एंड पेंटिंग्स वेन एवर आई एम इन कॉलेज, तो मैं ज़्यादातर फ्री टाइम में ही करती हूँ। इंशाल्लाह आई एम थिंकिंग कि जैसे मैं अभी आजकल मैनेज करती हूँ कि लाइक पढ़ाई के टाइम या पढ़ाई से हट के ये बनाना, इंशाल्लाह आगे जाके भी मैं मैनेज करूँगी। हाँ आगे जाके आएगा कि ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी, बट आई विल ट्राई टू मैनेज बोथ नाइसली। बट प्रेफरेंस मेरी बीइंग एज अ डॉक्टर ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ट्राई टू मैनेज दिस ऑल्सो एज आई एम थिंकिंग कि मैं आगे जाके कुछ ऐसी एक गैलरी खोलूं जहाँ पे आगे जाके आगे बच्चों को भी हेल्प मिले और मैं भी अपना टाइम उसी में स्पेंड करूँ फ्री टाइम।